अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70 सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के शहादत का बदला। यह बात एक हकीकत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों ने लड़ाइयों में कभी पहल नहीं की, बल्कि जिस हद तक बचा जा सकता था बचने की कोशिश की गई। अलबत्ता मुशरिक बुत परस्त और यहूदियों का हाल यह था कि वे इस्लाम और मुसलमानों को मिटाना चाहते थे, इसलिए वे बेवजह किसी माकूल वजह के बिना मुसलमानों से उलझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी जंगें हुईं सबकी शुरुआत कुफार की तरफ से हुई और मजबूरन मुसलमानों को भी अपनी हिफाजत में जंग करनी पड़ी। जब बनू नज़ीर का किला जीत लिया गया और मुसलमान मदीना शरीफ वापस आ गए तो खबर सुनी कि बनू मुहारिब और बनू सालवा के कबीले शरारत और फसाद पर तुले बैठे हैं और वे बहुत जल्द मदीने मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। ये दोनों कबीले गतफान की शाखें थीं जो इलाका नजद में आबाद थीं। चूंकि नजदियों के कबीले बनू सलीम ने 70 बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर डाला था, इसलिए तमाम मुसलमानों को रंज था। अब जबकि यह खबर आम तौर पर सुनी गई कि बनू मुहारिब और बनू सालवा लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दीं और बहुत जल्द सिर्फ 400 की फ़ौज नजद की तरफ ले गए। चूंकि अब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने का जिम्मेदार बनाकर फ़ौज को लेकर सफ़र शुरू कर दिया। फ़ौज नजद के इलाके में दाखिल हुई और एक पहाड़ी को तय करने लगी। न मालूम उस पहाड़ों के पत्थर किस किस्म के थे कि उन पर चलने की वजह से मुसलमानों के जूते टूट गए। मुजाहिद नंगे पैर चलने लगे, पर जब पांव जख्मी होने लगे तो उन्होंने पांवों पर कपड़े लपेटकर सफ़र का मरहला तय किया। मुसलमान अब एक नखलिस्तान में दाखिल हो चुके थे। इस नखलिस्तान में कुछ मुशरिक मौजूद थे जो इधर उधर कुछ तलाश करते फिर रहे थे। वे मुसलमानों को देखकर बहुत घबराए और उन्होंने भाग जाने का इरादा किया। मुसलमान उनके चेहरों से उनके इरादों को भांप गए। वे दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर उनके हालात मालूम करने लगे। अभी उन मुशरिकों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जगह तशरीफ ले गए। तुम लोग कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हम कबीला बनू सलीम के लोग हैं। उनमें से एक आदमी ने बताया, आपके चेहरे पर कुछ सख्ती आ गई। फरमाया, उसी कबीला बनू सलीम के जिसके लोगों ने 70 बेगुनाह मुसलमान शहीद कर दिए हैं। जी हाँ, उसी कबीले के उस आदमी ने सर झुकाकर कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बेगुनाह हैं और हम कसम खाकर कहते हैं कि हम उस बुजदिलाना और वहशियाना कत्ल में शरीक न थे। जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि ये उस कबीले के लोग हैं जिसने 70 बेगुनाह मुसलमानों को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर डाला था, तो सब जोशो गज़ब में भर गए और गज़बनाक निगाहों से उन्हें देखने लगे। बनू सलीम के इन आदमियों ने मुसलमानों की गैज़ भरी निगाहें देखी। वे अपनी ज़िंदगियों से मायूस हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, यहाँ बनू मुहारिब और बनू सालवा की फ़ौज मौजूद थी जो मुसलमानों के आने की खबर सुनकर फरार हो गई। हम यहाँ इसलिए आए थे कि शायद वे लोग कुछ चीज़ें छोड़ गए हों, उन्हें पा सकें। लेकिन क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन नहीं जानते थे कि मौत हमें नखलिस्तान में लिए जाती है। उस आदमी ने कहा, ऐ मुसलमानों के हादी, ऐ मदीने के बादशाह, हम बेकसूर हैं, हमें माफ़ कर दें। यह कहते ही वह आदमी रोने लगा और उसके साथी भी रोने लगे।
बदबख्त बुजदिलों, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश में आकर फरमाया, अब मौत को करीब देख कर रोते हो। जब तुम्हारी कौम मुसलमानों को कत्ल कर रही थी, उस वक्त अंजाम कार की खबर न थी। एक आदमी ने सिसकियां भरते हुए कहा, आह हम खबरदार न थे, फौरी जोश ने हमें अंधा कर दिया था। आमिर, हाँ बदबख्त और बादशाह आमिर ने हमारे कबीले को भड़का दिया था और हमने नासमझी से 70 बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर डाला, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कबीले में फोड़े वाली बीमारी फूट पड़ी और हर वह आदमी मर गया जो मुसलमानों के कत्ल में शरीक था। मनहूस आमिर भी उसी मूजी मरज का शिकार हो गया। उस आदमी का गला भर आया। उसने आगे कहा, उस खुदा ने जिसकी तुम पूजा करते हो मुसलमानों का बदला ले लिया, तुम हम पर रहम करो। आह हमारे छोटे छोटे बच्चे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु को तैश आ गया। फरमाया, बदबख्तों अब रोते हो, मौत करीब आ गई है। नहीं सिद्दीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें कुछ न कहो, इन्हें कत्ल करने से क्या फ़ायदा, इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुदा तरसी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हर उस आदमी पर जो रहम की तलब करता हो मेहरबानी करो, ख़ास तौर से उन दुश्मनों पर जो आजिज़ी दिखाएं, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जो हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे। इन्हें आजाद कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बनू सलीम वालों को फौरन छोड़ दिया गया, वे दुआएं देते हुए चले गए। चूँकि यह मालूम हो गया था कि बनू मुहारिब और बनू सालवा फरार हो गए हैं, इसलिए इस्लामी फ़ौज वापस हो गई। मेरे अजीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम।